आइए मैक्सवेल्स रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल के द्वारा दिए गए चार रिलेशन जो कि PVST को रिलेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैक्सवेल रिलेशंस सभी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की अवस्थाओं को चार मुख्य थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी के रूप में पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। इनमें से किसी दो को इंडिपेंडेंट चर वेरिएबल और बाकी दो को डिपेंडेंट वेरिएबल माना जा सकता है। उष्मागतिकी के में प्रयुक्त फलनों आंतरिक ऊर्जा यू, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन एफ, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन जी, एंथैल्पी एच को इन चार पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन चारों फंक्शंस को थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं क्योंकि ये यांत्रिक या विद्युत निकायों की भांति उष्मागतिकीय निकायों में परिवर्तन की दिशा का निर्धारण करते हैं। आइए मैक्सवेल के रिलेशन के बारे में कुछ और अध्ययन करते हैं। ये चारों फंक्शंस जो अभी हमने डिफाइन करे, आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी, ये चारों फलन परफेक्ट डिफरेंशिएबल होते हैं, अर्थात इनका किन्हीं दो चरों के सापेक्ष सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव अवकलन के क्रम पर निर्भर नहीं करता है। उष्मागतिक विभवों के उपयुक्त गुण को उपयोग कर थर्मोडायनेमिक्स चर PVTS में चार संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं। इन संबंध को मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। आइए मैक्सवेल द्वारा दिए गए थर्मोडायनेमिक्स में के पहले रिलेशन को डिराइव करते हैं। मैक्सवेल समीकरणों की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल के रिलेशन को डिराइव करने के लिए पहला फंक्शन है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du इज इक्वल टू dq माइनस pdv के बराबर होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि dq tds के बराबर होता है। इसे सब्सिट्यूट कर दीजिए तो du इज इक्वल टू tds माइनस pdv के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। फलन U, ये जो फंक्शन हमने U इंटरनल एनर्जी की बात की है जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को मिला करके बनाया है, इसमें दो वेरिएबल हैं, S और V का फंक्शन है ये U। S और V को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने तो U इज़ ए फंक्शन ऑफ S एंड V, तो S और V के सापेक्ष हमें आंशिक यानी पार्शियल डिफरेंशियल करना होगा। पार्शियल डिफरेंशियल करें du बाय ds व्हेन V इज़ कॉन्स्टेंट। क्या देखते हैं हम, v कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन नंबर 1 में dv को जीरो कर दीजिए तो आपके पास डेल्टा u बाय डेल्टा s एट कांस्टेंट v t के बराबर प्राप्त होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। सिमिलरली इसको इसी s कांस्टेंट मानते हुए v के विथ रेस्पेक्ट इस फंक्शन को इंटरनल एनर्जी को हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल्टा u बाय डेल्टा v व्हेन s इज कांस्टेंट इज माइनस p, क्योंकि इक्वेशन 1 में जब हम डेल्टा s को जीरो रखते हैं तो हमारे पास डेल्टा u अपॉन डेल्टा v व्हेन s इज कांस्टेंट की वैल्यू माइनस p के बराबर आती है। यथार्थ अवकलन के गुण के अनुसार हमारे पास दो वेरिएबल हैं v और s, हम इनके क्रम को इंटरचेंज करें तो सेकेंड डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसके क्रम के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है यानी समान वैल्यू देती है। आइए इस गुण को यूज़ करते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस, इसका वी कांस्टेंट है और इस पूरे टोटल का एस कांस्टेंट है, बराबर होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा एस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी, इसका एस कांस्टेंट है और इस पूरे का वी कांस्टेंट है। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस एट माइनस वी की वैल्यू पहले वाली इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सिमिलरली डेल्टा यू बाय डेल्टा वी व्हेन एस इज कांस्टेंट की वैल्यू ऊपर दिखाई दे रही है 3 इक्वेशन में माइनस पी के बराबर है, इसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो इक्वेशन 2 और 3 से यहाँ वैल्यू पुट करने पर क्या हमारे पास रिलेशन बनता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी व्हेन एस इज कांस्टेंट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस माइनस वी विथ माइनस साइन
इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। ये मैक्सवेल की प्रथम समीकरण है। प्रथम समीकरण में माइनस साइन का साइन आ रहा है क्योंकि ये माइनस पी के बराबर है। तो देखिए, ये मैक्सवेल का प्रथम रिलेशन पी वी एस टी को रिलेट करता हुआ समीकरण है जो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। ये मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम समीकरण कहलाता है। आइए मैक्सवेल द्वारा दिए हुए द्वितीय समीकरण के डेरिवेशन की बात करें। हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त एनर्जी फलन एफ को परिभाषित कर रहे हैं। एफ जो होगा वो यू माइनस टी एस के बराबर है। अतः सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म प्रक्रिया के लिए एफ में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा एफ बराबर डेल्टा यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकेंड लॉ को कंबाइन किया तो डेल्टा यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी के बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास डी यू माइनस टी डी वी माइनस पी डी वी के बराबर है। तो ऊपर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऊपर की जो दो टर्म आ रही है उन दोनों के स्थान पर हम माइनस पी डी वी रख रहे हैं। तो डेल्टा एफ बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी के बराबर है। क्या देखा हमने? एफ हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त एनर्जी जो है वो पी और टी दो वेरिएबल यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आए। इस प्रकार एफ जो है वो टी और वी का फलन है। टी और वी के सापेक्ष पार्शियल अवकलन करने पर डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी व्हेन वी इज़ कांस्टेंट, आप डी वी को ज़ीरो रख दीजिए उस इक्वेशन में तो माइनस एस के बराबर है। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वी व्हेन टी इज़ कांस्टेंट, डेल्टा टी ज़ीरो कर दीजिएगा इक्वेशन में जो ऊपर थी तो माइनस पी के बराबर है। फंक्शन एफ के यथार्थ अवकलन होने से हमारे पास अगेन हमें यथार्थ अवकलन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा वी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी व्हेन वी इज़ कांस्टेंट, इस टोटल का टी कांस्टेंट है। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वी, इसका टी कांस्टेंट है और टोटल का वी कांस्टेंट है। देखिए, दो वेरिएबल थे टी और वी, तो हमने इसके क्रम को इस इक्वेशन में इंटरचेंज किया है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ऊपर दी गई इक्वेशन से डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी व्हेन वी इज़ कांस्टेंट माइनस एस के बराबर है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वी व्हेन टी इज़ कांस्टेंट माइनस पी के बराबर है, इसे भी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या रिलेशन निकल कर आया? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी व्हेन टी इज़ कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी व्हेन वी इज़ कांस्टेंट। इट इज़ थर्मो मैक्सवेल्स सेकेंड रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स का, जो मैक्सवेल ने जो रिलेशन दिया ये सेकेंड रिलेशन है। धन्यवाद। आगे दो रिलेशन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।